एवरीवन, और कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है, और पिछले वीडियो में मेरी जो ये किचन से लेकर जो वीडियो है उस पर काफ़ी कमेंट्स आए आप लोगों के, और मैं खुद भी परेशान हूँ। आप लोगों से तो मैंने वीडियो बाद में शेयर किया, लेकिन उससे पहले मैं ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अभी आप लोगों को एक वीडियो मिला होगा जो कि मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। मेरा दिमाग ना इतना ज़्यादा ख़राब है, बैठ जाती हूँ पहले, मेरा दिमाग जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, 2-3 दिनों से। तो आज का जो वीडियो आप लोगों को अभी मिला है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है, और उन्हीं से मैं नाराज़ भी हूँ। और वो ऐसे ही करते हैं, मैं नाराज़ रहती हूँ ना तो कुछ ना कुछ, और वीडियो भी नहीं बनाए थे, और आप लोगों को वीडियो भी नहीं मिलते कंटिन्यू नहीं, क्योंकि एक दिन अगर गैप हो जाता है तो फिर आप लोग गायब हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों को देख कर ही मैं ना अच्छा लगने लगता है कि चलो आप लोग सोचते हैं मेरे बारे में, तो मैं अपनी जो है ना तकलीफ है और जो जितनी टेंशन रहती सबको किनारे रख के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी वो चले गए हैं, तो मैंने सोचा कर लेते हैं कितने दिन क्या होगा क्या नहीं। तो बस इसी को लेके मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा दिमाग ना उसी दिन पता नहीं क्या खिसक गया क्या नहीं, जो भी इतना जल्दी मेरा मूड ना चेंज हो जाता है। और ये मना भी कर रहे थे, रहने दे, चिल्ला रहे थे बहुत, लेकिन मैंने फिर इनकी नहीं सुनी और मैंने थोड़ा फोड़ी कर दी, तो मेरी अच्छी बनी बनाई सब है ना बेकार हो गई। गैस वहाँ पे रख तो दी है, ठीक ठाक तो है, लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाती है जब भी मैं खाना बनाने बैठती हूँ वहाँ, तो फिर जगह नहीं रहती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गैस कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, तो और मुझे प्रॉब्लम भी होती रही इसी वजह से, मुझे नीचे रखना था, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर पता नहीं अब मैं फिर से करने वाली हूँ इसका सेट, फिर से इसको बदलने वाली हूँ कि गैस मैं कहाँ रखने वाली हूँ। मेरा तो यही काम हो गया है रोज़ रोज़ का, मेरा समझ नहीं आ रहा है, मैं यही यही काम को रोज़ करे जा रही हूँ, एक बार मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही। तो चलिए करते हैं कोशिश किसी तरह से अच्छा दिखे। देख तो ऐसे भी अच्छा रहा है, बस वही जगह के कारण ज़रा प्रॉब्लम होने लगी गेट के पास। तो यहाँ चाय आए पी के, ये बर्तन डले हुए हैं तो इनको पहले हटा देती हूँ, बाहर रख देती हूँ। पूरा रैक मुझे फिर से ये खाली करना पड़ेगा, पूरे डब्बे मुझे नीचे रखने पड़ेंगे, बस यही स्टैंड मुझे खाली करके, और देखती हूँ कहाँ कैसे सेट हो पाता है, फिर से मैं कोशिश करती हूँ करने की। और आप लोगों से बस एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिना स्किप किए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। एक तो ये भी है ना कि मेरा जो न्यू किचन बना है, आप लोगों को पता ही है मेरा नया जो मतलब थोड़ा सा घर बनाया था, एक हॉल है उसी के अंदर मैंने किचन बनवाया, मेरे हस्बैंड ने बताया। तो बस थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मेरी वो किचन तैयार हो जाए, तो वो किचन तैयार हो जाएगी तो ये किचन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि यहाँ से तो वैसे भी हटानी ही थी, तो मैंने सोचा हटा ही देती हूँ। तो बस आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं पेमेंट बिल्कुल नहीं आई, तो बस आप लोग समझ सकते हो। तो उसी की वजह से मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि उसी में मैं अपना काम जो है वो करवाते जाऊँ, कुछ नहीं हो पा रहा सच में, इसलिए मेरा दिमाग ना बहुत टेंशन में हो जाता है क्या करूं क्या नहीं करूं। और व्यूज भी कम हो गए हैं, जबकि मैं कैसे बताऊं क्या करूं। तो बस प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक किया करें, और बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखा करें, मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एक चोट खाना भूल जाती हूँ, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए एडिट करके रखती हूँ रात को, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा बात ना करती हूँ। चलो काम स्टार्ट कर देते हैं, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए तो यहाँ पर जो है मैंने काम है स्टार्ट कर दिया है, और इतने फटाफट से मैं शुरू कर दी हूँ कि जल्दी से ये हो जाए, क्योंकि पूरे दिन सोचते सोचते टाइम निकल गया। और आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं मेरी इस बेकार की हरकत से, कि मैंने ये क्यों मिटा दिया, क्यों मैंने हटा दिया किचन,
और आप लोगों से ज़्यादा ना मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मैंने क्यों किया ऐसा। और उसके बाद ना एक ही दिन अच्छा लगा, उसके बाद मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल एकदम दरवाजे के पास मैंने कर दिया है और बैठते भी नहीं बन रहा था ठीक ठाक से, और दरवाज़ा खोलने में यही डर लगा रहता रहा कि कुछ गिर ना जाए गैस से, एकदम आते हैं ना तो डोर पे तो एकदम खोलने में दिक्कत होती है, तो वही तो फिर मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, फटाफट से मैं इसको ही वैसा का वैसा चेंज करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। प्लेटफॉर्म तो अभी नहीं बन पाएगा फिर भी, क्योंकि उसमें तो अब काम बढ़ गया है, तो जैसा रहा मैं वैसा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस फटाफट से इस रैक को खाली करके और इसको जमाती हूँ फिर से दोबारा से। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ। शांति के साथ काम नहीं करने दे रहा है, मतलब मैंने सोची थी कि चुपके से मैं काम कर लूंगी, और कम से कम आज 3-4 बार मेरे को देखने आ रहे हैं। मैं तेरे को देखने नहीं आ रहा, देखने आ रहे हैं। मेरा काम कहाँ है, मैं तो जाऊँ घर। तो देखिए मैंने ऐसे कर लिया, इसको यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे ये कितना गंदा दिख रहा है। एक तो ये बीच में ना इधर प्लेटफॉर्म लगा था तो इधर ढका हुआ था, तो यहाँ पर पेंट नहीं हो पाया कभी, तो इसको भी कर देंगे। लेकिन मेरा जो है ना विचार है, मैं सोच रही हूँ कि जो कलर मेरे को चेंज करना है खाली इस दीवार में, तो आप लोग मुझे बताइएगा 15-20 दिन के अंदर मैं इसका जो है ना दीवार, ये वाली बस खाली ये सामने की मेरी जो किचन से लेके ये सीधी वाली दीवार, इसका कलर मैं चेंज करूँगी, बाकी इसको ये ग्रीन रहने दूँगी। नहीं तो यहाँ मैट भी बिछा दूँगा। अच्छा नहीं नहीं बिछाना, अब रहने दो उसको, उसको जब ही होएगा वो, जब ये सब ये गड्ढा गुड्डी ये सब भरेंगे ना तभी वो सही आएगा, नहीं तो आता ही नहीं है, वो फट रही है कई जगह। नहीं तो वो जे भी है ना तो फिर गड्ढा गुड्डी नहीं भरेंगे वैसे, फिर गिट्टी डलेगी फिर तो। हाँ ना तो वही करवाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं समय आ जाएगा ऐसा। जा रहा तुम्हें जाओ। तो ये ऐसा मैंने इधर पे कर दिया है, देखिए खाली करके मैंने वहीं के वहीं स्टैंड को वहीं लगा दिया है, बीच में जगह खाली हो गई, तो मैं सोच रही हूँ कि बीच में ही वहाँ पे गैस रख लेती हूँ, तो वैसा तो दिखेगा ही। और इस दीवार पर मुझे पेंट करना है दूसरे कलर का, आप लोग बताइएगा मैं कौन सा वाला करूँ, क्योंकि दीवार भी बहुत ही गंदी हो गई है, अच्छी नहीं दिख रही है। देखिए सारा फिर से बगड़ गया सामान, फिर से इतना सारा मुझे फिर जमाना पड़ेगा, तो बस फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि मैं कौन सा वाला कलर करूं। और आप थोड़ा सा ठीक लगेगा, मैं इसको ज़रा ठीक ठाक कर लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी किचन अब कैसी लग रही है। किचन को यहाँ वहाँ करने के चक्कर में ना पूरी घर की बेकार हालत ही जा रही है, और ये ना बार बार मुझे आके देख रहा है कि क्या कर रहे क्या नहीं, मेरा दिमाग ना 2 दिनों से ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम। और मैंने काम कब स्टार्ट किया, जब मेरे हस्बैंड चले गए थे घूमने, तो मैंने सोचा वो निकल गए हैं तो अब वहीं की वहीं वो अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे, लेकिन बार बार आकर देख रहे थे कि मैं क्या कर रही क्या नहीं कर रही हूँ, तो वही मैं गुस्सा हो गई कि मुझे ना एकदम अकेले में करना था, मैंने सोचा अकेले में फटाफट कर लूँगी ना तो मन लग जाएगा, और ये मुझे दिमाग देंगे ना इधर करना उधर करना तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर मेरा ना कुछ करने का मन नहीं करता। तो देखिए मैंने स्टैंड को वहीं लगा दिया है जहाँ पर ये रहा। अच्छा पहले कमेंट आया था एक, जब मैंने ये सॉरी जो किचन मैंने सेट किया था तो ये बर्तन वाला स्टैंड को आगे करना था और जो डिब्बे वाला स्टैंड था वो पीछे करना था, लेकिन उसके कारण भी फिर दिक्कत ही हो जाती, क्योंकि फिर वो बर्तन वाला सामने हो जाता ना, तो फिर उसके नीचे अगर मैं गैस भी रखती ना तो फिर वो बेकार हो जाता, क्योंकि हम जब भी कुछ बनाते हैं ना तो फिर तेल के छींटे या झाड़ जो भी निकलता है वो उस पर ख़राब होता, इस वजह से मैंने नहीं किया, मैं जैसा का तैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। पूरे खट्टे नहीं लाओ।
गिर जाएंगे। फ्रिज में किस में निकाल के रख दिए तूने ला? फ्रिज में से डब्बा तो नहीं रखा निकाल के? देख लो फ्रिज में, नहीं तो पता चला फ्रिज से निकाल के रखोगे तो चींटी लग जाएंगे सर। फिर खा लेना चौको है। सब यहाँ पे पड़ी रही है। दूध दूध जे दूध ला कप दे। कप मैं लूंगा। ग्लास ले लो। वो ग्लास काली नहीं पहन। दूध पूरा खा ले क्या? मेरा 4 लीटर और चाहिए। मलाई नहीं डालना। चम्मच से वैसे करो मलाई को। तो यहाँ पर देखिए एकदम रैक मैंने अच्छे से जमा दिया है सारे डिब्बे। और यहाँ पर ये छोटा सा जो मेरा स्टैंड था और इसमें जो चम्मचे वगैरह टांगने की, तो वो मैं यहाँ पर फंसा दे रही हूँ। बीच बीच में यहाँ पर हमारे जो लाड साहब हैं वो परेशान करने आ गए थे, खेल खाल के आ गया था, ट्यूशन से आ गया था, तो उसको कहीं चौकूस खाना है ये खाना है, तो वो मैंने उसको दे दिया है। और यहाँ मेरा ये काम तो जी देखिए मेरी जो किचन है वो एकदम सेट हो गई है। और इस ये अभी ठीक से नहीं लगा है स्टिकर, मैंने टेप से उसको लगाई हूँ तो गिर ही जाएगा वो। कार्तिक को भेजा है मैंने फेवी क्यूब लेने, तो वो चिपकाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए कैसी लग रही है। तो ये देखिए ये हो गई है जैसी कि तैसी, बस ये है प्लेटफार्म नहीं है अब, ये तो हो नहीं सकता अभी फ़िलहाल, जैसा भी है मैंने ऐसा कर दिया है, ये इसी साइड कर दिया है। और गैस नीचे रखा है, गैस के बाजू में मैंने जो मेरे वो थे ना चाकू वगैरह ये तेल की बॉटल वो रखी है, बीच में ही कर दिया है, मतलब बिल्कुल सेम कर दिया, सिर्फ मेरा जो काउंटर टॉप है वो नहीं है, तो अब वो मुश्किल है कि लग जाए। तो फिलहाल इसी में काम चलाते हैं। और साइड में डब्बा रख दिए आटा का, चावल का, सॉरी चावल का और कुछ सामान का, और आटे का डब्बा, और लास्ट में गैस सिलेंडर। बस मुझे झाड़ू लगानी बाकी है, तो फटाफट से झाड़ू लगाते हैं और उसको चिपका देती हूँ अच्छे से। वहाँ मैंने देखिए एक स्टैंड भी ये टंगा दिया है ताकि यहाँ पर ये चम्मच वगैरह मैं लगा सकूँ। और ये पूरा उखड़ गया है, देखिए दिख रहा होगा ये इसकी वजह से। तो यहाँ पर मुझे पेंट करना है अच्छा वाला, कौन सा कलर इसमें अच्छा जमेगा आप लोग बताइएगा, इस दीवार पर सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं पेंट करूँगी कुछ दिनों बाद, तो ये अच्छा दिखेगा और भी। और ये देखिए कितने सुंदर वाले फ्लावर्स फूल कार्तिक लेकर आया है, तो मैं सोच रही इनको अच्छा सा गुलदस्ता बना लूँ और किचन के पास रखूँगी। तो ये अच्छे लग रहे हैं फूल, 2-3 कलर के हैं, ऑरेंज है, येलो है और रेड। तो बस चलिए फटाफट से और भी जो काम है वो करती हूँ, तो इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर बनाएंगे गर्मा गर्म सी चाय। इतना सारा काम किया और कितना टाइम हो गया, 5 बजे से लगी, 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में ये सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो बस अभी आज देखिए मैं तैयार तक नहीं हूँ, ऐसी बनी हुई हूँ कि क्या बताऊँ। तेल कंघी करूँगी, सिर भी ना दर्द होने लगा है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर रख दिए हैं, वहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं समझ आ रही, तो यहाँ पर रख दिए हैं।
क्योंकि ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल होते तो और अच्छे लगते हो। जितने दिन चलना होगा चल जाएंगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं सच में। दो तीन कलर के हैं ना, अच्छे लग रहे हैं, तो ये जितने दिन भी चलेंगे अच्छे लगेंगे। तो ये है मेरी किचन, एकदम तैयार हो गई, बनाते हैं अब गर्मा गर्म चाय। लगी मेरी ये न्यू किचन फिर से, बहुत मेहनत लग गई यहाँ पे सेट करने में। और आप कैसी लग रही है आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरी ये वाली किचन अब कैसी लग रही है। है तो वही, बस से फ़र्क इतना है कि उसका जो पत्थर है ना वो नहीं है। तो चलिए, इतनी मेहनत की है तो अब बना लेते हैं थोड़ी सी चाय, खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या बनाऊंगी, क्योंकि देखती हूँ क्या बोलते हैं क्या नहीं, खाने का तो यही रहता है। तो फिलहाल मैं तेल कंघी और कर लेती हूँ और फिर चाय चढ़ा देती हूँ पहले, फिर तेल कंघी करने जाऊँगी। तो फाइनली यहाँ पर मेरी किचन अच्छे से सेट हो गई है और झाड़ू भी लगा दी है और बस चटाई बिछा दूंगी। तो इतना ही मुझसे हो पाया, आई होप कि आप लोगों की नाराज़गी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। और मैं चाहती हूं कि मैं अपनी न्यू किचन में ही शिफ्ट हूं, तो उसके लिए आप लोगों को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें और बिना स्किप किए वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें। तो बस मैं कोशिश मैंने यहाँ तक की कि ये हो पाया, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म तो नहीं लग पाएगा, लेकिन अब इतना मैंने कर लिया है। तो चलिए, अब इतना कर लिया है और अब बना लेते हैं दिन, मतलब अभी काम करने के बाद अब फटाफट से थोड़ी सी चाय में चढ़ा देती हूँ। चाय तो बनती है इतना काम करने के बाद, क्योंकि थक गई हूँ, और उसके बाद मैं तैयार होने के लिए जाऊँगी। यहाँ पर थोड़ा सा तैयार, बस मैंने बाल को बना लिए हैं और बोरो प्लस लगा लिया, और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है, क्योंकि अभी भी दूध आया था तो वो गर्म नहीं हो पाया था। तो इसको भी पहले बॉईल कर लेती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। और मलाई मैंने निकाल के रख दी है। और तो देखिए, यहाँ पर मैं तैयार भी हो गई हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ चाय भी चढ़ा दी थी, चाय भी मेरी बन गई है। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, थक गई थी मैं इतनी काम में, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने किया, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा था ना इस वजह से। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी